हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो करीब 41,000 है, और मैं पूरे डिटेल आपको इसमें बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, ध्यान से सुने। इसमें 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज है वो 18 से 22 साल है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 18 से 25 साल है। ठीक है, तो इसमें मैं लास्ट डेट, सिलेबस, क्राइटेरिया सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से है। और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस, ये डिपार्टमेंट है, आरक्षी नागरिक पुलिस एम आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबल, इसमें ये भर्ती निकली है। इसमें जो पे बैंड है आपका 5,200 से 20,200 तक है। इसमें करीब 40,000 सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आपको इसमें मिलेगी। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर इतनी है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में 23,520 हैं और इस डिपार्टमेंट में है आपकी 18,000। इस तरीके से करीब 41,000 वैकेंसी हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, ये नोटिफिकेशन है। और इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें जनरल कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं 11,761 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 6,350 है, अनुसूचित जाति एससी 4,939 है, और जनजाति की है इसमें 470। तो इस तरह से 23,520 पोस्ट है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में, और एक ये डिपार्टमेंट है आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबल। ठीक है, तो इसमें 9,000 अनरिजर्व हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4,860 है, अनुसूचित जाति की 3,780 है, और जनजाति की 18,000 वैकेंसी है। तो इस तरीके से ये सारी वैकेंसी निकली हैं, और मैं सारा डिटेल आपको पढ़ के बताता हूँ। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी के पद पर भर्ती के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे, मतलब एक जो डिपार्टमेंट है ये आर्म कांस्टेबलरी का जो डिपार्टमेंट है इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही भर पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, ये रिजर्वेशन का यहाँ पर बताया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, होमगार्ड्स के लिए 5%, और आरक्षी नागरिक पुलिस में महिलाओं के लिए 20% का क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय कार्मिक विभाग के शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ये रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर आप पूरा रिजर्वेशन देख सकते हैं। ये है सबसे मेन चीज, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, ये 22 जनवरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 22 फरवरी। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो एक दिन और बाद तक ही है, 23 फरवरी तक आप इसमें अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क कितना है? इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹400 निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान निम्न माध्यमों से किया जा सकता है, ₹400 इसमें आवेदन शुल्क है। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, या ऑफलाइन आप कर सकते हैं, आपको एक ई चालान बनवाना पड़ेगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें आरक्षण देखते हैं, इसमें आयु कितनी है? भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी की आयु कितनी हो, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे, 18 साल से ऊपर और 22 साल से नीचे मेल कैंडिडेट के लिए आयु होनी चाहिए 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, तो इसमें जन्म भी दिया है कि आपका जन्म कब से कब तक होना चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1996 से पहले का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। ये महिला कैंडिडेट का दिया है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं इसमें। परंतु यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में की जाए, मतलब यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन, एज का जो रेगुलर रिलैक्सेशन होता है वो मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 12वीं क्लास जो स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी नियमावली दी है, लिखित परीक्षा होगी इसमें। हाँ, ये मैं बता देता हूं आपको, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा
एवं उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म कॉन्स्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली के अधीन किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चयन तथा अंतिम योग्यता सूची के चरण होंगे। एक इसमें लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक मानक परीक्षण होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। मतलब फिजिकल के इसमें दो टेस्ट होंगे आपके, एवं चयन तथा अंतिम योग्यता सूची के चरण होंगे। बस यही है, इसमें एक रिटन टेस्ट होगा और दो आपके इसमें फिजिकल टेस्ट होंगे, और उसके बाद जो जो लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लिखित परीक्षा में क्या होगा? लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान जीके इसमें आएगी, पर्टिकुलरली यूपी की जीके इसको इसमें आपको पूछी जा सकती है। सामान्य हिंदी भी इसमें आएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है। मैथमेटिक्स आएगा, मानसिक अभिरुचि जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब रीजनिंग, मैथ और जीके और हिंदी, ये चार सब्जेक्ट इसमें आप मान सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर इसका पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा। तो ये है पूरा इसमें डिटेल, और देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 10वीं एवं 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, तो ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसमें और क्या क्या मांगा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो एनसीसी होता है उसका सर्टिफिकेट, इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग, तो ये पूरा देखना पड़ेगा। आयु में छूट जाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। तो यहां पर पूरा आप डिटेल देख सकते हैं, ये यहां पर फिजिकल आपके क्या मेजरमेंट होने चाहिए। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है, 8 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। ये यहां पर कितना आपका सीना आपका फूलना चाहिए ये पूरा दिया हुआ है यहां पर, इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं आराम से। तो वजन दिया है इसमें पूरा आप, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें है, तो इसमें मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और इसके रिगार्डिंग यूपी पुलिस के रिगार्डिंग इसमें जीके का क्या क्या सिलेबस होगा आपका, और हिंदी का क्या क्या सिलेबस होगा, इसके रिगार्डिंग मैं और वीडियोस बनाऊंगा और उसमें आपको डिटेल में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत सूचना विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पर आपको पूरी सूचना इसकी मिल जाएगी, prpb.gov.in, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आप इसमें देख सकते हैं। ये अपर सचिव की तरफ से, अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसके हेड की तरफ से ये आपका वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया है। ये वेबसाइट आप ध्यान से देख लें, prpb.gov.in। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, जो 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं वो पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनको मिल सकती है, और कोई इतना कठिन परीक्षा नहीं होती, सिंपल परीक्षा होती है, 300 नंबर का पेपर होगा। और इसके वीडियो मैं इस चैनल पर डालूंगा, इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, और मैं unacademy.com पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर वहाँ की लिंक भी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, तो unacademy पर भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, बसंत सिंघल के नाम से, बसंत सिंघल आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी इंग्लिश का एक वीडियो मैंने डाले हैं, इंग्लिश का एक कोर्स मैं वहाँ पर मेरा चल रहा है जिसमें करीब 24 वीडियोस हैं, बाकी जीके के और इन सब सब्जेक्ट्स के वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा unacademy पर और इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इसके रिगार्डिंग और मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।